किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और आप बने हुए हैं मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव देव पर। किसान भाइयों, पेटी गन्ना प्रबंधन पार्ट वन में मैंने आपसे पौधा गन्ना कटाई से लेकर आगे आने वाले 30 दिन तक के पेटी गन्ना प्रबंधन की चर्चा की थी। शुरुआती दिनों में अपने पेटी गन्ना में उर्वरकों की पहली मात्रा डालने के बाद आने वाले 10 दिनों में आप देखेंगे कि आपके पेटी गन्ना में नए कल्ले निकल रहे हैं, अर्थात फुटाव हो रहा है और फसल भी तेजी से बढ़ रही है। किसान भाइयों, उर्वरक की पहली मात्रा के साथ हम जो दानेदार कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं उससे हमारे पेडी गन्ना में कंसुआ और तना बेधक कीड़े अर्थात अर्ली शूट बोरर की काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर हमारे पेडी गन्ना में पत्तियां पीली दिखाई देती हैं। किसान भाइयों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें काली या लाल चींटी, जिसको कीड़ी कहते हैं, दिखाई देगी, जो पत्तियों का रस चूसकर पौधे को मृत प्राय कर देती है और गन्ना पैदावार में काफ़ी हानि पहुंचाती है। किसान भाइयों, चींटी अर्थात कीड़ी की रोकथाम के लिए आप बायर की सोलोमन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से या सिंजेंटा कंपनी की एलिका 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बायर कंपनी का सोलोमन सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें इमिडाक्लोप्रिड 19.81% रेशियो के साथ एक सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड है जो पौधे की पत्तियों द्वारा अवशोषित करने के बाद पौधे की हर टिश्यू में पहुंच जाता है और सभी प्रकार के तनाछेदक सुंडियों, कीड़ों आदि को मार डालता है। किसान भाइयों, इसमें बीटा सेफ्लोथ्रीन 8.49% रेशियो के साथ सभी प्रकार के उड़ने वाले कीटों, चींटी, मच्छर व पत्ते चूसने वाले कीटों को समाप्त करने वाला कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है। किसान भाइयों, सिंजेंटा कंपनी का एलिका भी सिस्टमेटिक व कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड का कॉम्बिनेशन है। इसमें थायोमेथोक्सम 12.6% रेशियो के साथ एक सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड है और लैम्डा साइलोथ्रीन 9.5% रेशियो के साथ एक कॉन्टैक्ट पेस्टिसाइड है। यह कम्बिनेशन भी सभी प्रकार की सुंडियों व पत्ती चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए एक प्रभावशाली कीटनाशक है। किसान भाई, चाहे तो आधा लीटर क्लोरोपाइरीफॉस में प्रोफिनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रीन 250 ml मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन सभी दवाइयों के साथ आप कोई भी बेसिक न्यूट्रिएंट जैसे एनपीके 19-19-19 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये सब स्प्रे करने से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि खेत में पर्याप्त नमी हो। अगर खेत में पर्याप्त नमी नहीं है तो पहले खेत में सिंचाई करें और जब जमीन पैर रखने लायक हो जाए उसके बाद स्प्रे करें। किसान भाइयों, आने वाले 6-7 दिनों में गन्ने की पीली पत्तियां हरी दिखाई देने लगेंगी। अगर अभी भी कहीं कहीं पत्तियां पीली दिखाई दें तो बताई गई दवाइयों का इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हैं। गन्ने से कीड़े का प्रकोप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। किसान भाइयों, कई बार पत्तियों में यह पीलापन दो बार कीटनाशक दवाइयों का स्प्रे करने के बाद भी बना रहता है, तो किसान भाइयों ध्यान से पत्तियों का निरीक्षण करें। ये पीली के बजाय सफ़ेद तो नहीं हो रही? पूरी पत्ती पर हरी सफ़ेद धारियां तो नहीं बन रही? या फिर नए निकलने वाले कल्ले सफ़ेद तो दिखाई नहीं दे रहे? तो किसान भाइयों, ये हमारे गन्ने में आयरन की कमी का संकेत है। किसान भाइयों, गन्ने में आयरन डेफिशिएंसी अर्थात लौह तत्व की कमी को समय रहते दूर ना किया जाए तो ये हमारी गन्ना बढ़वार और अंततः पैदावार को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। किसान भाइयों, लौह तत्व की कमी अर्थात आयरन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए आप किसी भी अच्छी कंपनी का दानेदार फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर सिंचाई कर दें। किसान भाई, चाहे तो 100 ग्राम चिलेटेड फेरस सल्फेट जो स्प्रे के लिए आता है किसी भी अच्छी कंपनी का लेकर 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। बेहतर रिजल्ट के लिए 5 या 6 दिन बाद आप ये स्प्रे दोबारा कर सकते हैं। किसान भाइयों, फेरस सल्फेट का यह प्रयोग पौधा गन्ना अर्थात पोड़ गन्ना के लिए भी समान रूप से प्रभावी है। गन्ना बुआई के समय किसान भाई फेरस सल्फेट की बताई गई मात्रा डालकर बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस प्रकार पेडी गन्ना में आने वाले रोग व उनके लक्षण की सही पहचान करके सही कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके आप अपने धन व श्रम का सही उपयोग कर पाएंगे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही। पेडी गन्ना प्रबंधन की और चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक आइकन को दबाएं, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल क्रिएटिव देव को सब्सक्राइब कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर इस टॉपिक पर आपका कोई सवाल, कुछ सुझाव है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।